हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एट द जू जो पोयम है 3 क्लास में, जेबी पब्लिकेशन का इंग्लिश के बुक में 1st यूनिट में, उसका एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो जो लोग जिस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी ये भी पब्लिकेशन का सभी बुक्स साथ में एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं यह एट द जू जो पोएम है, इसका हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके थे और इसका इस वीडियो में एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर इसमें पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोएट वांट अस टू बी केयरफुल अबाउट, मतलब सॉरी व्हाट डज द पोएट वांट अस टू बी केयरफुल अबाउट, मतलब क्या किन चीज़ों से द पोएट वांट्स चाहता है अस, मतलब हमसे, टू बी केयरफुल केयरफुल रहने के लिए, अबाउट किन सब चीज़ों के बारे में चाहता है पोएट कि हम लोग केयरफुल रहें। आंसर होगा इस पोएम में, तो आंसर होगा द पोएट वांट्स अस, पोएट हमसे चाहता है टू बी केयरफुल केयरफुल रहने के लिए, अबाउट किस बारे में यानी किसके बारे में, टू से कहने के बारे में या कुछ या करने के बारे में, वेन जब कुछ कहने या करने के बारे में केयरफुल रहने के लिए चाहता है, केयरफुल रहने के लिए चाहता है पोएट, वेन जब वी विजिट, हम लोग विजिट करते हैं यानी जाते हैं एट द एनिमल, एनिमल के पास, एट द जू यानी चिड़ियाघर में, यानी को एनिमल के पास जाते हैं, तो कुछ करना करने और या कुछ कहने के बारे में केयरफुल रहने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन है, Why should we make fun? क्यों नहीं, Why should not, इस should और not को मिलाकर लिखा जाता है इस तरह से, Why should not we make, क्यों नहीं हम लोग को बनाना चाहिए मजाक, of camel hump, camel के hump का क्यों नहीं मजाक बनाना चाहिए। आंसर है We should not make, हम लोग को नहीं बनाना चाहिए fun, मतलब मजाक नहीं बनाना चाहिए, ऑफ कैमल हम, कैमल के उभरे हुए गोलाकार भाग का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि ही इज वेरी प्राउड, उसे बहुत ही प्राउड होता है ऑफ हिज नोमल बम्प, जो उसका प्रशंसनीय बम्प है ठावा, उस पर उसको काफ़ी प्राउड होता है, अगर इस तरह से मजाक उड़ाने पर उसको अच्छा नहीं लगता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज चिंपैंजी थिंक ऑफ हिमसेल्फ, चिंपैंजी अपने बारे में क्या सोचता है, व्हाट डज द चिंपैंजी थिंक, क्या सोचता है ऑफ हिमसेल्फ अपने बारे में। आंसर है द चिंपैंजी थिंक्स, चिंपैंजी सोचता है कि एज वाइज, यह उतना बुद्धिमान है एज यू और मी, जैसे जितना कि तुम और मैं, जितना कि एज यू एंड तुम या और मतलब या मी मतलब मैं, इतना कि तुम और मैं मतलब बुद्धिमान है, वाइज है, उतना वह सोचता है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ। चिंपैंजी थिंक्स, चिंपैंजी सोचता है कि ही इज एज वाइज, वह उतना बुद्धिमान है एज यू, जितना कि तुम और मी, जितना कि मी मतलब मैं, मुझे यानी कि मैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट अ स्पेशल गिल्टी, सॉरी व्हाट अ स्पेशल क्वालिटी, क्या स्पेशल क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार डू पेंगुइन हैव, पेंगुइन के पास होता है क्या स्पेशल क्वालिटी। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार पेंगुइन स्टंटिंग राउंड द लेक, पेंगुइन क्या करती है, स्टंट करती है राउंड द लेक, लेक के चारों ओर, दिस इज द स्पेशल क्वालिटी विच पेंगुइन हैव, यही पेंगुइन का स्पेशल क्वालिटी है, पेंगुइन के पास स्पेशल क्वालिटी होता है। What will happen, क्या होगा if, यदि we treat, हम लोग treat इस तरह से व्यवहार करें the animal, animal के साथ well मने अच्छे तरीके से, हम लोग animal के साथ अच्छे से well मने अच्छे तरीके से व्यवहार करें animal के साथ, तो क्या होगा, answer होगा इसका, answer if we treat, यदि हम लोग व्यवहार करें treat करें the animal, animal के साथ well मने अच्छा अच्छे से, then तब we will always, हम लोग हमेशा बी वेलकम, स्वागत किए जाएंगे एट द जू, चिड़ियाघर में लोग हमेशा स्वागत
किए जाएंगे चिड़ियाघर में अगर अच्छे से व्यवहार करें तो। ये क्वेश्चन, अब आगे चलते हैं। द एनिमल्स इन द जू, जू में एनिमल्स प्रिपेयर ए पोस्टर, प्रिपेयर करते हैं पोस्टर, प्रिपेयर तैयार करते हैं टू बी पुट ऑन द गेट, गेट पर रखने के लिए आउटसाइड, और जो बाहर में गेट है उस पर साटने के लिए यानी रखने के लिए। जू आउटसाइड द जू, जू के बाहर जो गेट होता है उस पर साटने के लिए, पुट मतलब रखना, यहाँ पर साटना हो जाएगा तरह से, गेट के ऊपर साटने के लिए एक पोस्टर तैयार करते हैं जानवर जू के। बट दे हैव लेफ्ट सम ब्लैंक्स, लेकिन वे कुछ छोड़ देते हैं खाली इन ईट, उसमें जो कुछ खाली छोड़ दिए हैं, जो कि नीचे देखिए खाली छोड़ दिए हैं। राइट मतलब लिखें, डू या और नोट, उसमें डू लिखना है चाहे डू डोंट लिखना है, डू नोट तो शॉर्टकट में इस तरह से डोंट लिखा जाता है। इन द ब्लैंक्स खाली जगह में, टू गिव द करेक्ट मैसेज सही मैसेज देने के लिए, ऐड टू इंस्ट्रक्शन और दो इंस्ट्रक्शन ऐड करें ऑफ योर ओन अपने से टू द लिस्ट, लिस्ट में देखिए इसमें इसमें डू या डोंट भरना है और नीचे दो इंस्ट्रक्शन अपने से लिखना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, टेक केयर मैंने देख, ध्यान करें, ध्यान दें व्हाट यू से और डू टू अस, मतलब डू यहाँ पर होगा, मतलब डू टेक केयर मैंने टेक केयर ध्यान दें, हाँ डू टेक केयर व्हाट यू से जो तुम कहते हो या डू और डू या करते हो टू अस मतलब हमसे, टू अस हमारी ये जानवर लोग कह रहे हैं कि हमसे जो तुम कहते हो हम लोगों से जानवरों से यानी कि, या फिर तुम कह जो भी कुछ करते हो कोई एक्टिविटी तो उस पर ध्यान दे क्या तुम कर रहे हो, यहाँ पर डू होगा, डू टेक केयर मतलब ध्यान दे। अगला होगा इसमें मेक फन ऑफ अस, क्या हमसे मजाक करें, जानवर के साथ मजाक करें, हमसे यानी कि जानवर लोग इसको लिखे हैं ना, यानी कि हमसे मजाक करें मतलब मजाक क्या करें कि नहीं करें, तो यहाँ पर नहीं करें, यहाँ डोंट होगा, डोंट मेक फन ऑफ अस, लोगों के साथ मजाक मत करें। अगला होगा लाफ एट अस, मैंने हम पर हंसे, हंसे अच्छा है नहीं ना, तो यहाँ पर होगा डोंट लाफ एट अस, हम पर मत हंसे, डोंट भराएगा इस, देखिए इसमें क्या भराएगा, इसमें डू डोंट पास बैड रिमार्क्स, जो भी खराब रिमार्क्स हैं बैड रिमार्क्स उसको पास ना करें। डू ट्रीट एज वेल, आप मतलब अच्छे से हमारे साथ ट्रीट करने में व्यवहार करें, इसमें से दो अपने से इसी तरह का जोड़ना है, ऐड करना है। डोंट वेक्स यहाँ पर हो जाएगा आपका, तंग ना करें, यहाँ पर हो जाएगा थ्रो, डोंट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट, इस तरह से दो आप इसमें जोड़ सकते हैं दो सेंटेंस। आगे है नोटिस द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स इसमें इसको नोटिस कीजिए, नीचे संज्ञा हर एक स्टेंजा में फिल इन द ब्लैंक्स और खाली स्थान को भरिए विद द एप्रोसिएट मैंने राइमिंग वर्ड्स सूटेबल यानी कि राइमिंग वर्ड्स में भरना है। डू का क्या हो जाएगा, डू आ जाएगा टू, डी और टू हो जाएगा इस तरीके से। हम्प का क्या हो जाएगा, बम्प हो जाएगा। चिंपैंजी का क्या हो जाएगा, बंसी हो जाएगा, सिंपैथी हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे। लेक का हो जाएगा टेक, जू का हो जाएगा टी डब्लो टू, टी डब्लो टू भी होता है। इस तरह से आगे चलते हैं हम लोग, इसमें क्या करना है, सुपोज मान लीजिए वी ऐड ए न्यू स्टेंजा, हम लोगों ने एक नया स्टेंजा ऐड किया टू द पोएम, पोएम में रीड द लाइन, लाइन को पढ़ें एंड फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें विथ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स होना चाहिए। फ्रॉम द बॉक्स बिलो, नीचे जो बॉक्स दिया गया है इसमें सबसे वर्ड में से इसमें भरना है, राइमिंग वर्ड भरना है। लेकिन यू हैव टू सेलेक्ट ओनली टू वर्ड्स, केवल दो वर्ड्स इसमें सेलेक्ट करना है। देखिए इसमें से राइमिंग वर्ड में देखिए इनवाइज और टर्टवाइज, ये राइमिंग वर्ड है, और इस सेंटेंस में देखिए सूटेबल बैठ रहा है। देखिए डू नोट ट्रबल, कठिनाई मत पहुँचाएं द रिलैक्सिंग टर्टवाइज, जो आराम करता हुआ टर्टवाइज है, कछुआ है, रिलैक्स कर रहा है, उसको ट्रबल ना करें, कठिनाई ना दें। ही फोर ही इज ए पीसफुल, क्योंकि फोर ही इज पीसफुल एनिमल, वह
पीसफुल एनिमल के लिए ही पीसफुल एनिमल है इसके लिए एंड हेट्स ए लॉर्ड और हेट्स ए लॉर्ड नॉइज और हेट करता है वह नॉइज से हेट करता है। इस तरह से नॉइज और टर्टवाइज एक राइमिंग वर्ड है। और दूसरा देखिए सही वर्ड नहीं लग रहा है यहाँ पर आपका हो जाएगा टर्टवाइज रिलैक्सिंग टर्टवाइज मतलब कछुआ जो रिलैक्स कर रहा है और यहाँ पर फॉर हिज पीसफुल एनिमल उसके पीसफुल क्योंकि वह शांतिपूर्वक जानवर है उसके लिए एंड हेट्स ए लॉर्ड वह हेट करता है नफरत करता है ए नॉइज नॉइज लॉर्ड मतलब ज़्यादा तेज आवाज़ से नफरत करता है इसमें।